चंद्रगुप्त को जब होश आता है तो उसे उसके साथी ये ज्ञात कराते हैं कि तारिणी नाम की महिला ने दिन रात सेवा कर उसकी जान बचाई है। चंद्रगुप्त भाव विभोर हो जाता है। उसे शीघ्र ही तारिणी के पति भुवन से ये पता चलता है कि उनके पुत्र की कारविनाथ ने निर्मम हत्या कर दी थी, क्योंकि बाकी गांव वालों की तरह वो भी कर चुकाने में असमर्थ रहे थे। भुवन चंद्रगुप्त और उसके साथियों को गांव छोड़ के चले जाने की सलाह देता है। उधर आचार्य चाणक्य जो चंद्रगुप्त की खोज में निकल पड़े हैं, चित्ररूपा का संदेश पाते हैं कि अमात्य राक्षस को उस पर संदेह हो गया है। चाणक्य के कहने पर चित्ररूपा अपना भेद स्वयं ही धनानंद के सामने खोल देती है। इधर गांव छोड़कर आने से चंद्रगुप्त का मन ग्लानी बोध से भर जाता है और वो वापस जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त को आने में देर हो जाती है। काका, ये क्या हो गया? काका क्या हो गया? आपने कहा था कि बोर होते ही यहां से निकल जाओ। क्यों कहा काका, हमें रोका क्यों नहीं? काका चंद्रगुप्त संभालो अपने आप, तुम अपनी मां के लिए गए थे, तुमने कोई अपराध नहीं किया था, संभालो अपने आप को, संभालो। अब की बार तो उसने मात्र उन्हें मारा जिन्होंने उसके सामने सर उठाने का साहस किया था, किंतु वो जाते जाते चेतावनी भी दे गया कि वो दो दिन बाद फिर वापस आएगा और इस बार उसे दुगना कर चाहिए, और यदि उसे दुगना कर नहीं दिया गया तो वो हम सबको मार डालेगा, हम सब। भगवान कर माई ठीक हो। माई मुझे क्षमा कर दे माई, अपनी मां को बचाने की चिंता में मैं ये भूल गया था कि तू भी मेरी मां है।
मुझे क्षमा कर दे माए, मुझे क्षमा कर दे। माँ आप तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। अब मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगा। मैं तुझे वचन देता हूं माई, मैं कभी भी तुझे असहाय नहीं छोड़ूंगा। मैं पुत्र हूं तेरा, हर संकट में मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्वी, किस निर्दयी का अत्याचार है ये आचार्य? धनानंद के दुष्ट सामंत कार्वीनाथ का। ब्राह्मण देवता, हमारे गांव में ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, हमें बचा लीजिए। ब्राह्मण देवता, हमें बचा लीजिए। हम मिट रहे हैं, हम समाप्त हो रहे हैं। हमें बचा लीजिए ब्राह्मण देवता, हम पे दया कीजिए। ब्राह्मण देवता, हम पे दया कीजिए। हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें ब्राह्मण देवता, कि जो हम पर असहनीय क्रूर संकट आया है उससे बचने का मार्ग समझाए। कार्वी और उनके सैनिक चेतावनी दे गए कि जब वो दोबारा इस गांव में आएंगे तो उन्हें दुगना कर चाहिए, अन्यथा वो हम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हमारी रक्षा करिए ब्राह्मण देवता, हमारी रक्षा करिए। आचार्य, हमें यहां से शीघ्र ही चल देना चाहिए, क्योंकि हम जितना समय यहां ठहरेंगे आचार्य, हम उतना ही चंद्रगुप्त से दूर होते जाएंगे। हम यहां रुककर इनकी सहायता करेंगे। असहाय की सहायता से बड़ा कोई धर्म नहीं। चंद्रगुप्त, तुम ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपने ऊपर बहुत दायित्व ले रहे हो? मेरी माई ने मुझे एक नया जीवन दिया है और
मुझे उसकी सहायता करनी ही होगी। तो फिर लोखंडी जाना रद्द? पता नहीं, मैं आचार्य की तरह क्या उचित है और क्या अनुचित, इस पर भेद तो नहीं कर सकता। परंतु इतना निश्चित है कि यहां अपने कर्तव्य को बिना निभाए यदि मैं अपने मां के पास गया तो मैं जानता हूं वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। और फिर दोनों ही स्थान पर हमारे शत्रु तो एक ही है ना। धनानंद, कदाचित आज आचार्य हमारे साथ होते। अरे, हमारे गांव में ब्राह्मण देवता आए हैं, वे स्वयं हमारे मृतकों का अंतिम संस्कार करवाएंगे। भुवन के क्रियाकर्म के लिए लेकर आओ। हे ब्राह्मण देवता, अब कृपया मेरे पिता के अंतिम संस्कार में मेरी सहायता कीजिए। तुम तो अपनी मां को खोजने निकले थे, यहां क्या कर रहे हो? मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मां की ममता और आचार्य की आज्ञा के बीच मेरे चरण मां की ओर चले गए। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। आचार्य, मैं अपनी मां को बचाने के लिए लोखंडी जा रहा। वहां पहुंचते पहुंचते प्यास के मारे हमारी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें लज्जित होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। गुरुकुल का अनुशासन तोड़ा है तुमने। एक बार फिर मेरा विश्वास तोड़ा है तुमने। किंतु फिर भी आज तुम्हारे विचारों और संस्कारों के लिए गर्व हो रहा है मुझे। इन गांव वालों की सहायता के विचार से
अपनी माँ की खोज को बीच में छोड़कर तुम्हारा गांव वापस लौटाना यह सिद्ध करता है कि नैसर्गिक रूप से तुम्हारे हृदय में असहायों के लिए करुणा है, इन मागतों के प्रति करुणा है। यही तो देखना चाहता था मैं तुम में चंद्रगुप्त। नेता नियति को नहीं चुनता, नियति नेता को चुनती है। जब मैं यहां नहीं था तो नियति ने इन दबे हुए कुचले हुए मागदों से तुम्हारा साक्षात्कार करवा दिया। मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए तुम्हें। महाराज, हमसे छल किया तुमने, वो भी उस दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य के लिए, फिर खिट था। महाराज, मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध विवश किया था, उस आचार्य चाणक्य ने। त्रिगड़दा, क्या कहा तुमने? हाँ महाराज, त्रिगड़दा, मैं हृदय से एक नर्तकी हूँ महाराज, राग रंग कला से जुड़ी, और वो निरस ब्रह्मचारी संन्यासी, उसका और मेरा किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है हमारा। त्रिगड़दा, मैं क्या करती महाराज, मैं ना समझती, और इसीलिए उनकी बातों में आ गई। पर जब से मैंने आपको देखा, मैंने देखा कि आप ना केवल एक महान सम्राट हैं, आप तो उच्च कोटि के कला मर्मज्ञ हैं। तब से मैं सचमुच आपके अनुराग में बंध गई महाराज, और आपके प्रति ये प्रेमी है जो आज मुझे आपके सामने ये सच बोलने पर विवश कर रहा है। चित्र रूपे, तुम ये समझ रही हो कि हम तुम्हारी बातों पर आंख मूंद के विश्वास कर लेंगे? ना दादा, ना हृदय परिवर्तन हो गया है तुम्हारा ये मान लेंगे? इरकिट धा, कठिन है महाराज, मुझे आपके सामने अपना एक और अपराध स्वीकार ले। त्रिगड़दा, एक और हित कट देना, हम सुन रहे हैं। दादा, कहो। महाराज, मैं सचमुच आपके आपके प्रेम में पड़ चुकी हूँ। त्रिगड़दा, मैं आपके प्रेम में इतनी डूब चुकी हूँ महाराज कि मैं आपके लिए अपनी जान तक निछावर कर सकती हूँ। अगर आप चाहे तो मार्टन, मुझे आपके हाथों मृत्यु भी मेरी प्रिय, मार्टन मुझे। त्रिगड़दा, हम तुम्हें एक अवसर देंगे चित्र रूप में, वो इसलिए कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। त्रिगड़दा, तुम्हारे नृत्य से प्रेम करते हैं हम, किंतु एक केवल
एक अवसर दिया जाएगा तुम्हें चित्ररूप है, स्मरण रहे। कोई और बिगड़ा, बिगड़ा, बिगड़ा। कोई और होता चित्र रूपे तो मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड तो त्रिगड़ा, त्रिगड़ा, त्रिगड़ा। कारवीनाथ और उसके सैनिक, यहाँ पहुंचने से पहले हमें इस गांव को छोड़ना होगा। अरे ये लड़का है कौन जो हमें अपना गांव छोड़कर जाने की बात कह रहा है? हम कहीं नहीं जाएंगे अपना गांव छोड़कर। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आचार्य, क्या आप इन गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते? माना कि गुरु हूं मैं तुम्हारा, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं। मैं आज भी मात्र अपनी अंतरात्मा के आदेश मानता हूं। झांक कर देखो अपनी आत्मा को, क्या चाहती है वो तुमसे? आचार्य, मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि मैं यूं ही इन गांव वालों को मझधार में छोड़कर ना जाऊं, कुछ करूं इनके लिए। इसका तथ्य ये है कि तुम इन सब गांव वालों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ रहे हो। इसका ये प्रमाण है कि मेरी शिक्षा तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे आचरण में घुल मिल चुकी है। शिष्य गुरु की चाहे जितनी अवज्ञा करे किंतु उसकी शिक्षा निभाता रहे, उसके लिए यही बात है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य? मैं भला आपकी बात कैसे टाल सकता? इस समय इस विषय पर वाद विवाद व्यर्थ होगा। समुचित बात यह है, गांव को बचाने का एक ही मार्ग है, सब गांव को छोड़कर निकल जाए। पास ही रायगुंटा की गुफाएं हैं, जो छिपने के लिए निरापद स्थान है। समय व्यर्थ गवाए बिना सबको वहां जाना होगा। ठीक है आचार्य, आप अपना यह सुझाव सारे गांव वालों के सामने रखें। मैं अभी उनको बुलाकर आता। मैं नहीं, तुम समझाओगे गांव वालों को। मैं? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में एक शिक्षक का महत्व हो सकता है,
किंतु इस समय उन्हें किसी शिक्षक को सुनने में रुचि नहीं होती। उन्हें इस समय एक मार्गदर्शक चाहिए जिस पर वो विश्वास कर सके। परंतु क्या वो मेरी बात सुनेंगे? अपने अस्तित्व के लिए उन्हें सुनना होगा और ये बात तुम्हें उन्हें समझानी होगी। आचार, आपको नहीं लगता कि आप इस बालक को कठिनाई में डाल रहे हैं? हाँ आचार्य, सारे गांव को समझाना और वो भी इतनी कठिनाई के समय। जैसे राजकुमार लोगों से जुड़कर बड़े होते हैं, तभी राजा बनते बनते लोग उनकी मानते हैं, वैसे ही यदि अखंड भारत के भावी सम्राट की योजना को मात्र कल्पना ही नहीं सत्य बनाना है तो चंद्रगुप्त को यह सब सीखना पड़ेगा। लोगों के हित को समझना, उनका विश्वास जीतना कठिन है, किंतु करना होगा उसे ये सब। देखते हैं कितना सामर्थ्य विकसित हुआ है उसमें। साथियों, मैं आप लोगों से एक आवश्यक बात करना चाहता हूं। ये बात कारवीनाथ के अत्याचारों की है, बात आपके चुपचाप उसके अत्याचार सहने की है। कब तक साथियों, कब तक इस गांव में बच्चे बूढ़े औरतें आतंक के साए में जिएंगे? कब तक इस गांव का हर घर अपने सदस्य के मरने पर रोता रहेगा? हम सबको जीना है और जीने के लिए हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं। कारवीनाथ और उसके सैनिक यहां पहुंचने से पहले हमें इस गांव को छोड़ना होगा। वहां पहाड़ों में कुछ ऐसी गुफाएं हैं कि यदि हम वहां पर छुप जाएं तो कारवीनाथ से स्वयं को बचा सकते हैं। अरे ये लड़का है कौन जो हमें अपना गांव छोड़कर जाने की बात कह रहा है? हम कहीं नहीं जाएंगे अपना गांव छोड़कर। शांत हो जाओ सब।
आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन होता हूं। आप सबसे कुछ भी कहने वाले तो सुन लो, मैं इस मां का पुत्र हूं और इसका पुत्र होने के नाते मैं इस पूरे गांव का भी पुत्र हूं और इसी नाते से कल मैंने अपने पिता को खोया, वो भी भाग्य पर विश्वास रखते थे, वो भी नियति से किसी चमत्कार की आस कर रहे थे जैसे आप सब करें, परंतु फिर हुआ क्या? आप सबकी आंखों के सामने आप ही के लिए कारवीनाथ से लड़ते लड़ते वो तड़प तड़प के मर गए। कई वर्षों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। ईश्वर आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर ने आप सबको बुद्धि दी, शक्ति दी अपने अत्याचारों से लड़ने की, और अब यदि आप लोगों ने स्वयं को बचाने के लिए कुछ नहीं किया ना, तो वो फिर आएंगे, फिर हम सबको लूटेंगे, फिर हमारी फसल जलाएंगे, और इतना सब कुछ होने के बाद अंत में आप में से जो भी जीवित बचेगा ना, उसे स्वयं के भाग्य को कोसने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा। अभी आप लोगों का निर्णय, आपको जीना है या मरना है। परंतु मैं अपनी माई को भगवान भरोसे नहीं छोड़ूंगा। कल भोर होते ही मैं अपनी माई को लेकर इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। वाह, क्या चाल चली है महाराज, अति उत्तम, क्या मात दी है। जोर पर पासे मानने से जीत तो हो जाती है महाराज, पर खिलाड़ी अपना हुनर खो बैठता है। वाह एकांत त्रिगड़ा 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 धा तिकड़ा तिकड़ वाह मात्य, क्या विचार है, परंतु आप भूल रहे हैं, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो पासे फेंकने का कष्ट केवल तब करे जब दर्शकों की दृष्टि उस पर टिकी हुई होती है, उनका मन ये सोचकर विचलित हो रहा होता है कि ये खेल पाएगा या नहीं। अगर नहीं खेल पाया तो खेल समाप्त। रिगड़ा, 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 रिगड़ा। अधिक प्रशंसा तब मिलती है उसे। तिगड़ा क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं तो एक बार फिर आपको चित्र रूपा से सतर्क करने आया, मुझे पता है कि रिगड़ा, रिगड़ा। हमें पता है कि चित्ररूपा चाणक्य की गुप्तचर है। त्रिगड़ा, त्रिगड़ा, त्रिगड़ा। हम खेल में
स्वयं के साथ छल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खेलना नहीं जानते। मोह में हमारी आंखें बंद होती हैं, बुद्धि नहीं। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। चिंता मत कीजिए आमात्य, हम स्वयं से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। ये जो विश्वासघात हमारे साथ हुआ है उसका बदला तो हम अवश्य लेंगे, परंतु उससे पहले हम चाणक्य के भेजे हुए गुप्तचर के द्वारा चाणक्य तक तो पहुंच जाएं। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। और जब तक हम अपना तांडव शुरू नहीं करते तब तक अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। आचार्य, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। चलो, संभव कर सकते हैं। चंद्रगुप्त सही कहता है, इसलिए हम किसी दैवी कृपा की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम भाग्य को अपनी हथेली पर लिए चंद्रगुप्त के साथ चलेंगे। कारविनाथ आ रहा है। वे हमसे एक कोस दूर है। अब हमारे लिए एक क्षण बहुमूल्य है। तुरंत यहाँ से रायकुंटा की गुफाओं की ओर चलो। आप लोग निकलिए, मैं अपने बीमार काका को लेकर आपको मार्ग में ही पकड़ता हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन कब तक?
एक चूहे को पाताल से खोद कर निकाल लूंगा मैं। भला मेरे प्रकोप से उन्हें कौन बचा सकता है? जाओ, जुड़ो नहीं। कैसे हो मित्र, कैसे हो? सब गांव वाले कहां चले गए? बोलो, बताओ बताओ ना, सब गांव वाले कहां चले गए? बोलो।